हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शारदा। तो सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज साल का पहला दिन है, 2020 चालू हो गया है। जैसे कि सब कह रहे 2020 नहीं कह रहे, सब कह रहे 2020 चालू हो गया है। तो इस 2020 में पहले दिन में, 1 जनवरी में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाई हूँ कुछ स्पेशल वीडियो आप सबके लिए। क्या है कि हम सब तो अपनी स्किन का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, हमारी स्किन जो है ढीली पड़ जाती है, या फिर थोड़ी सी डल लगने लगती है। तो वैसे तो हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो बॉडी टोन करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको फेस के लिए भी एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। तो आज मैं ये फेस एक्सरसाइज आपको बताऊंगी किस लिए। तो हमारी स्किन जो है बहुत ही इससे यूथफुल लगती है, यूथफुल बन जाती है, और रिंकल्स जो है वो भी कम हो जाते हैं। और हम चाहे हमारी उम्र कितनी भी बढ़े, हम बहुत ही यंग दिखते हैं। तो ये क्या एक्सरसाइज है मैं आपको भी बताती हूँ। तो गाइज, आज मैं आपको बताऊँगी 5 बेस्ट एंटी एजिंग फेशियल एक्सरसाइजेस। पहले तो इसके मैं बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। इस ये जो एक्सरसाइज जो है हमारे अपर मिडल और लोअर लेग्स पे काम करता है, जो हमारी सैगिंग स्किन है उसको वो लिफ्ट करता है अच्छे से, और उसके बाद जो हमारे मसल्स होते हैं उसको अच्छे से टोन करता है, और ये जो हमको जो रिंकल्स आ जाते हैं उसको वो धीरे धीरे कम करता है, रिड्यूस करता है, फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको वो इम्प्रूव करता है, और जो हमारी स्किन है बहुत अच्छे से नरिश हो जाती है इस रेगुलर एक्सरसाइज से। और उसके बाद हमको एक अच्छा एक हेल्दी ग्लो मिलता है अपने चेहरे पर। और क्या होता है कि जो कोलेजन जो होता है हमारे स्किन के अंदर, तो उसको वो प्रोड्यूस करने में थोड़ा बढ़ावा देता है, उसको इम्प्रूव करता है उसका प्रोडक्शन। और इससे क्या होता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है अच्छे से, बहुत ही मतलब आपको क्या बताओ, बहुत ही आप यूथफुल दिखने लगते हो, बहुत ही यंग दिखने लगते हो, और आपके उम्र का इससे पता ही नहीं चलता है। तो इससे क्या होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी स्किन बहुत अच्छे से टाइट हो जाती है, स्मूथ भी हो जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल से, और आप ऐसे नहीं कि आपको अलग से टाइम निकालना है, आप कहीं बैठे बैठे भी टीवी देखते वक्त या मतलब कुछ भी काम करते हो, आप कोई काम शांति से कर रहे हो तो उस वक्त भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको सिर्फ दिन में 15 से 20 मिनट निकालने हैं, सॉरी 15 से 20 मिनट किसी भी टाइम में कोई भी काम करते हो, आप ये एक्सरसाइज आराम से करते हो और इसका रिजल्ट आपको जल्दी ही दिखेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये एक्सरसाइज कैसे करने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये चिकी फेस। चिकी फेस मीन्स हमको हमारे चिक में हवा भर के लेनी है, मीन्स ब्लो करना है। आपको जस्ट शांति से बैठना है और ऐसे मुंह में आपको हवा भर के लेनी है, पूरे चिक ऐसे आपको फूल जाएंगे वैसे हवा आपको भर के लेनी है, और आपको जस्ट 8 से 10 सेकंड तक थोड़ा सा रोक के रखना है आपको, और फिर उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है वो रिपीट करना है। आप कितने भी टाइम रिपीट कर सकते हो, लेकिन आप 5 से 6 बार अगर रिपीट करें तो अच्छा है। तो मैं आपको फिर से करके बताती हूँ। आप जस्ट ऐसे आप समझिए टीवी देख रहे हो, जस्ट टीवी देखते आप ऐसे बैठे हो, तो आपको जस्ट हवा भरनी है, आपको वो हवा जो है आपको अपने अंदर रोक के रखनी है, आपको ब्रीथिंग भी नहीं करना है जब तक आप मतलब आपको अगर ऐसा लगे कि मैं अभी ज़्यादा देर तक ब्रीथिंग नहीं कर सकते तो आप वो निकाल दीजिए हवा और फिर कंटिन्यू कीजिए। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, इसे कहते हैं, इस एक्सरसाइज को कहते हैं चिकी फेस। और इस एक्सरसाइज से हमारे स्किन
और जो मसल्स है वो अच्छे से टोन हो जाते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज है सरप्राइज फेस। जी हाँ, नाम भी सरप्राइज है लेकिन ये एक्सरसाइज भी बहुत ही सरप्राइज है। आपको जस्ट आपको कुछ सरप्राइज आपको दिख गया, आप बहुत सरप्राइज हो गए, आपको ऐसा फेस बनाना है और ये आपको रिपीटेड 8 से 10 बार करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो आप आंखें जितना ज्यादा बड़ा कर सकते उतनी ज्यादा ज्यादा बड़ा कीजिए, आप जितना मुंह बड़ा कर सके उतना मुंह बड़ा कीजिए, जितने आप आईब्रोज लिफ्ट कर सके उतने आईब्रोज लिफ्ट कीजिए। मीन्स आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए हैं। इस तरह से आपको ये रिपीटेड करना है। तो इस एक्सरसाइज से आपका जो फोरहेड है बहुत ही अच्छे से स्मूथन हो जाते हैं और इसके रिंकल्स जो है वो कम हो जाते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है जिराफ फेस। जी हाँ, जिराफ मीन्स जैसे जिराफ की गर्दन बहुत ही लंबी होती है तो हमको ऐसे देखना पड़ता है, तो वैसे ही हमको ये एक्सरसाइज करनी है। आपको जस्ट ऊपर की तरफ आप जितनी गर्दन ऊपर कर सके उतनी गर्दन ऊपर करनी है और जस्ट अपने फिंगर से ऐसे आपको उसे थोड़ा सा प्रेशर करना है। इस तरह आपको ये 25 सेकेंड तक आपको ऐसे ही रखना है। आपको जो पूरे मसल्स है वो आपको बहुत ही ये हो जाएंगे, मीन्स आपको महसूस होगा कि आपके मसल जो है बहुत ही पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो आपको जस्ट ऐसे ही पूरे गर्दन जो है आपको पीछे करनी है और ऊपर की तरफ देखना है और जस्ट अपने फिंगर से थोड़ा सा इसको प्रेशर करना है। तो आप रिपीटेड ये 8 से 10 बार कीजिए। ये हमारे चीक और चिन के लिए बहुत ही अच्छे है। जिनकी डबल चिन है या फिर जिनकी सैगिंग स्किन हो गई है, लूज पड़ गई है, तो उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। तो ये भी आप एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज है फ्राउन फेस। जी हाँ, फ्राउन फेस मीन्स ऐसे करना है लेकिन आपको जस्ट ये दो फिंगर की मदद से करना है। आपके जहाँ पे आईब्रो स्टार्ट होते हैं आपको ये दोनों फिंगर वहाँ पे रखनी है और थोड़ा सा इसको प्रेशर देके ऐसे नीचे की तरफ करना है। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको जस्ट फिंगर के बिना करके दिखाती हूँ। ये आपके जो आईब्रोज है ऐसे फिंगर की मदद से थोड़े से नीचे की तरफ करने हैं, थोड़े से सिकुड़ना है और मुंह भी ऐसा करना है। ये आपको रिपीटेड 8 से 10 बार करना है। सिर्फ 2 2 सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड करना है, फिर रिलैक्स होना है, फिर रिलैक्स होना है। तो ये एक्सरसाइज जो है जिनके क्राउस फिट आ जाते हैं या फिर जिनके जो आईलिड से ड्रूपी है या फिर पफी आईज है, तो उसके लिए एक्सरसाइज ही बहुत ही अच्छी है। इससे ये सारे प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाते हैं। फिर फिफ्थ एक्सरसाइज है क्लाउन फेस। जी हाँ, क्लाउन फेस। क्या करना है, क्लाउन कैसे होता है? तो आपको सिर्फ अपने लिप्स पूरी तरह से बंद करने हैं, मुंह बंद करना है और आपको स्माइल करना है, आंखें थोड़ी बड़े करनी है और आप जितना स्माइल कर सके उतना आपको करना है और आईब्रोज भी थोड़े से लिफ्ट करने हैं। यह हो गया स्माइली फेस। फिर क्राउन जो है फिर आपको दोनों फिंगर की मदद से आपको ऐसे करना है। तो आपको समझ है ये है क्लाउन फेस। इसके बेनिफिट क्या होता है, ये हमारे नेचुरली जो है फेस लिफ्ट हो जाता है, इससे जो सैगिंग स्किन है उसकी प्रॉब्लम कम हो जाती है और जिनको लाफ लाइंस आते हैं वो भी प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो ये 5 एक्सरसाइज मैंने बताया, ये एंटी एजिंग फेशियल एक्सरसाइज है। आपको दिखने में फनी लग रहे होंगे, मुझे भी फनी लगा, लेकिन आप
आपको इसके बेनिफिट्स समझ आएंगे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। ये सच में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप घर बैठे बैठे कीजिए, गार्डन में बैठे हो तब कीजिए, कोई हंसेगा नहीं। क्योंकि हमको क्या दिखना है, यूथफुल दिखना है। अगर हमको हमारे स्किन का ध्यान रखना है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एक्सरसाइज कैसे लगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।